तो जय श्री राम मेरे सभी भाइयों को। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो पुराने वीडियो पे आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया, तो उसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। तो भाई मैं भी अपनी किताबों का एडजस्टमेंट करके और अपने लैपटॉप को ओपन करके लग जाता हूँ अपनी टू डू लिस्ट को बनाने में। तो आज जो टू डू लिस्ट मैंने बनाई है उसमें मैंने इंग्लिश, मैथ और जीएस के टारगेट को लिखा है और एक मॉक टेस्ट लगाना है, ये भी मैंने लिखा है। तो भाई आप देख सकते हैं, यह मेरी आज की टू डू लिस्ट। तो भाई मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आज अपने जितने भी टारगेट हैं उनको मैं अचीव करूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी टू डू लिस्ट को कंप्लीट करना। तो सबसे पहले जो मैं करने वाला हूं, मैं लूंगा 150 गोल्डन रूल्स की क्लास, जो कि मैं ले रहा हूं विनय कक्षा सर से, जो कि इन्होंने अपने चैनल पर डाली हुई है। और अगर आप भी इस क्लास को लेना चाहते हो तो आप ज़रूर लें, क्योंकि इसमें सारे रूल कवर किए हुए हैं। और अगर आप इस क्लास को ले लेते हैं तो शायद ही आपका ग्रामर में कोई क्वेश्चन छूटे। और इन्होंने वोकैब के रिलेटेड भी वीडियो बनाई हुई है, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो भाई क्लास तो मैंने अपनी कंप्लीट कर ली थी, और आपको भी अगर ये क्लास लेनी है तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, और बहुत बढ़िया चैनल है, आप जाके एक बार जरूर विजिट करें। तो भाई क्लास लेने के बाद अब बारी थी प्रोनाउन को रिविजन करने की, जो कि मैं कर रहा था नीतू मैम की वॉल्यूम 1 से। तो चलिए करते हैं इसे कंप्लीट। तो आप सभी भाई सोच रहे होंगे कि ये मैंने टाइमर क्यों लगा रखा है। तो भाई बहुत से भाई मेरे से पूछ रहे थे शॉर्ट्स में भी और मेन वीडियो में भी कि भाई आप इंग्लिश का टारगेट कितने टाइम में कंप्लीट करते हो। तो यही देखने के लिए भाई मैंने ये टाइमर लगा रखा है। तो देखते हैं आज कितने टाइम में मेरा इंग्लिश का टारगेट कंप्लीट होता है। प्रोनाउन रिवीजन होने के बाद अब बारी थी वोकैब की। वोकैब में सबसे पहले मैं करता हूँ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का रिवीजन और एडियम एंड फ्रेजेस का रिवीजन। तो चलिए भाई इस टारगेट को भी अपने को कंप्लीट करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन और एडियम एंड फ्रेजेस को रिवीजन करने के बाद मैं बुक्स में अपनी और किताबें लेकर चला जाता हूँ छत पर। तो भाई छत पे निकल रही होती है बहुत अच्छी धूप, तो चलिए पढ़ते हैं अपना और जो बचा हुआ टारगेट है उसे कंप्लीट करते हैं। तो जो बुक्स मैं लेके आया था छत पे उसमें द कंप्लीट वोकेबुलरी लाया था जिससे मैं सिनोनिम करूंगा, और जीएस की बुक लाया था जिससे मैं आज का अपना रीडिंग से जो है रीडिंग सेक्शन उसे कंप्लीट करूंगा, और पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट के लिए न्यून क्लासेस की बुक लाया था। तो चलिए भाई करते हैं अपने बचे हुए टारगेट को कंप्लीट। और जो अब तक मैंने टारगेट कंप्लीट करा था, जैसे मैंने क्लास ली थी, प्रोनाउन का रिवीजन किया था, और क्या नाम है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इडियम एंड फ्रेजेस का रिवीजन करा था, तो उसमें जो मुझे टाइम लगा है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। मुझे इतना टाइम लगा है उस टारगेट को कंप्लीट करने में। तो देखते हैं अपना पूरा इंग्लिश का टारगेट करने में कितना टाइम लगेगा। तो मैंने टाइमर स्टार्ट करके पढ़ने लग जाता हूँ, जो कि अब मैं पढ़ रहा था सिनोनिम। तो चलिए भाई करते हैं इस टारगेट को भी कंप्लीट। सिनोनियम पढ़ने के बाद अब बारी थी पैरा जंबल और क्लोज टेस्ट की। तो उस बचे हुए टारगेट को मैं कंप्लीट करने में लग जाता हूं। तो भाई इंग्लिश का टारगेट अब इतना हमने कर लिया था, उसके बाद मैं अपनी जीएस की बुक लेकर आया था जिससे मुझे रीड करना था हिस्ट्री और हिस्ट्री के मिडाइवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो 5-5 पेजेस उससे मैंने रीड करे। रीडिंग सेक्शन को कंप्लीट करने के बाद मैं आ जाता हूँ नीचे अपनी क्लास लेने। तो जो मैं क्लास ले रहा था वो थी स्टैटिक जीके की फ्लोक डांस की क्लास। तो भाई आप लोग सोच रहे होंगे कि टाइमर क्यों नहीं स्टार्ट कर रखा। तो भाई मेरा फ़ोन हो गया था स्विच ऑफ, क्योंकि उसकी बैटरी लो थी, और जब मैंने वो चार्ज करके ऑन करा तो वो जो टाइमर था वो रीसेट हो गया था, वो जीरो पे आ गया था।
तो भाई इस वजह से टाइमर बिगड़ गया, लेकिन मैं अप्रोक्स आपको बता देता हूँ कि मुझे इंग्लिश में 2.5 से 3 घंटे में मेरा टारगेट कंप्लीट हो जाता है। तो भाई जीएस की क्लास लेने के बाद फिर मैं सीट का रिवीजन करता हूँ, जो कि मैंने कल क्लास ली थी क्लासिकल डांस की, उस सीट का मैं रिवीजन कर रहा था आज। तो क्लासिकल डांस का ही रिवीजन कर रहा था मैं आज, परमार सर ने जो सीट प्रोवाइड कर रखी है उससे। तो भाई करते हैं इसे भी कंप्लीट। तो भाई अपने इतने टारगेट कंप्लीट हो चुका है, जिसमें हमने प्रोनाउन कर लिया था रिवीजन, और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन भी हो गए थे, इडियम एंड फ्रेजेस भी हो गए थे, सिनोनियम हो गए थे, 5 पैराजंबल, 2 क्लोज टेस्ट ये हमने कर लिया, और 150 रूल की क्लास भी कर ली थी। एक क्लास करिए इसकी 150 रूल की अभी सर की। स्पेलिंग बची हुई हमारी, स्टेटिक जीके की फोक डांस की हमने क्लास ले ली थी पूरी। क्लासिकल डांस की सीट का रिवीजन हो चुका है। हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के 5-5 पेज रीड कर लिए थे हमने बुक से। तो भाई अब जो हमारा टारगेट बचा हुआ है वो बचा हुआ है मैथ और एक मॉक टेस्ट का, तो चलिए इन दोनों को कंप्लीट करते हैं। तो भाई मैथ की क्लास ले रहा था मैं टाइम स्पीड डिस्टेंस की, जो कि मैं ले रहा था आदित्य रंजन सर के बैच से। तो भाई मेरे पास इसकी सीट है तो मैं सीट के थ्रू ही कर रहा था, तो चलिए भाई करते हैं इसे भी कंप्लीट। तो भाई उस क्लास को लेने के बाद मैं आ जाता हूँ अपने बेड पे, और बेड पे ही लेता हूँ मैं अपनी ट्रिग्नोमेट्री की क्लास। तो वो भी मैं आदित्य रंजन सर से ले रहा था, तो उसमें जो सवाल वो करा रहे थे वो मैं अपने रजिस्टर पे कर रहा था पहले से ही। तो चलिए भाई इस क्लास को भी अपनी कंप्लीट करते हैं। तो भाई अपना इतना टारगेट और कंप्लीट हो चुका है, जिसमें अपन ने ट्रिग्नोमेट्री क्लास ले ली है, और भाई टाइम एंड स्पीड डिस्टेंस की एक क्लास हुई है, ये नहीं हुई है, दूसरी नहीं हुई, तीसरी नहीं हुई, और भाई मॉक टेस्ट रह गया अपना, और एक अपना स्पेलिंग रह गई है। और भाई इतने टारगेट अपन ने कंप्लीट कर लिए हैं, तो भाई आज भी हमारे कुछ टारगेट रह गए हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं, मैंने पूरा ट्राई करा वैसे पूरा करने का, लेकिन भाई ये 2 क्लास रह चुकी है, एक मॉक टेस्ट रह चुका है और स्पेलिंग। तो चलिए भाई, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और भाई प्यार बनाए रखें। थैंक्स टू ऑल।